नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम मानते हो तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 400 लाइक का रखा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक MPL ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से MPL ऐप को डाउनलोड करें। दोस्तों, आगाज अच्छा हो या ना हो, अंजाम बेहतर होना चाहिए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2021 टीम इंडिया के लिए दोनों ही नहीं हुए। टूर्नामेंट के शुरुआती दो मैच हारने के बाद आगाज तो बिगड़ ही गया था। न्यूजीलैंड के हाथों अफगानिस्तान की हार ने उसके अंजाम को भी बेहतर नहीं होने दिया। टीम इंडिया सेमीफाइनल के दौर से आउट हो चुकी है। T20 वर्ल्ड कप के 7 एडिशन में ये चौथी बार है जब भारत का बोरिया बिस्तर ग्रुप स्टेज पर ही बंद गया है। असर इतना हुआ कि भारतीय टीम ने नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले की अपनी ऑप्शनल प्रैक्टिस भी रद्द कर दी। नामीबिया के खिलाफ भारत को ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेलना है। इस मैच में उनकी कोशिश दो हिट साधने की होगी। अब सेमीफाइनल का टिकट तो मिला नहीं, तो कम से कम जो हाथ में है उसे तो अमली जामा पहनाया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और नामीबिया दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की रेस से आउट हैं और अब अपना अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने उतरेंगी। पिछले 4 मुकाबलों में भारत की 2 जीत और 2 हार है, वहीं नामीबिया ने जीत का स्वाद सिर्फ 1 मैच में चखा है। खैर, इन सब आंकड़ों का अब कोई मोल नहीं, अब दोनों टीमों का फोकस बस आगे क्या है उस पर होगा और भारतीय टीम की नजरें नामीबिया के खिलाफ अपने 2 हिटों पर होगी। टीम इंडिया के 2 हिट में से एक विराट कोहली की कप्तानी और दूसरी टूर्नामेंट के अंत से जुड़ी है। भारतीय टीम दोनों को हासिल करना चाहेगी। दोस्तों, IPL में मैंने MPL पर खेलकर 20 से ज्यादा टीमें बनाई थी, 1,00,000 रुपए कमाए थे। अब मैं इस बार T20 वर्ल्ड कप के सारे मुकाबले में कम से कम 20 टीमें तो बना ही लूंगा। मैंने अब तक 19 टीमें बना ली है और आप मेरी 20वीं टीम स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों, MPL पर जब भी वर्ल्ड कप में भारत के मुकाबले होंगे तब तो आप 2 करोड़ तक जीत सकते हो। दोस्तों, आपको केवल और केवल इसी ऐप में लगभग 1,000 का कैशबैक मिल सकता है। वहीं MPL में मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 35 रुपए है। और हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर इस MPL ऐप पर जीते हुए विजेताओं की तस्वीर भी देख सकते हो, तो देर किस बात की। दोस्तों, जल्दी जाओ और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से MPL ऐप को डाउनलोड करके लाखों कमाओ। नामीबिया के खिलाफ मैच विराट कोहली का बतौर T20 कप्तान आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। ऐसे में ICC टूर्नामेंट जीतने का आखिरी मौका चूकने के बाद उनकी कोशिश शानदार जीत के साथ अपने T20 कप्तानी करियर का अंत करने की होगी। आपको बता दें कि भारतीय खिलाड़ी भी इसी इरादे के साथ नामीबिया के खिलाफ आखिरी लड़ाई में उतरेंगे। अब अगर ये हिट सदा तो जाहिर है कि दूसरे हिट तो अपने आप सज जाएंगे। टीम इंडिया ने टूर्नामेंट की शुरुआत बेशक डबल हार के साथ की थी, लेकिन वो चाहेंगे इसे खत्म जीत के हैट्रिक के साथ किया जाए। भारतीय टीम अगर नामीबिया को रोकती है तो ये T20 वर्ल्ड कप 2021 में उसकी लगातार 3री जीत होगी। T20 के इंटरनेशनल पिच पर भारत और नामीबिया इससे पहले कभी भी नहीं भिड़े हैं, यानी ये पहली बार होगा जब ये दोनों टीम आमने सामने होंगी। अफगानिस्तान की हार ने भारतीय खिलाड़ियों को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में जाहिर है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए नामीबिया की टीम भी दुबई में होने वाली इस मुकाबले में उलटफेर की सोच रही होगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस भारत और नामीबिया के मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज सबसे बड़ी पारी खेलेगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपने अभी तक MPL ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से MPL ऐप को तुरंत डाउनलोड करें। धन्यवाद।